गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अभिषेक में। आज हम लोग करने वाले CDS एग्ज़ाम 2023 का पहला सेट का पेपर, जो कि अप्रैल मंथ में हुआ था। और जैसे हमें पता है 3 सितंबर को CDS का सेकंड वाला पार्ट हुआ था, तो आज हम पहले पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा देखिए, इस एग्ज़ाम से हमारे जो CGPTET में है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, डायरेक्ट 4 क्वेश्चन। और आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में जो आपने 2021 की देखी थी, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आए थे। 21 से 12 क्वेश्चन आए थे, इस वाली वीडियो से 4 क्वेश्चन आए थे, टोटल मतलब 16 क्वेश्चन उन्होंने प्रीवियस ईयर CDS से पूछे थे डायरेक्ट। और बाकी उन्होंने फिर मिसलिनियस इधर उधर से पूछे क्वेश्चन, बाकी बचे हुए 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं चार क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं, और बाकी 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये सिर्फ 2 में आया था ये वाला क्वेश्चन, कि अ स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प एंड पेन इन द थाई मसल्स आफ्टर रन, दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। ये क्यों होता है, किसके एक्यूमुलेशन से? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से स्प्रिंटर जो है पेन फील करते हैं। ठीक है, तो जिसमें स्टार लगा हुआ है, जिस भी क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है वो पेपर में आए थे, तो टोटल 4 स्टार दिखेंगे आपको इसमें। और बाकी हम लोग जो गोले लगे हुए हैं वो सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, टोटल 30 अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे, तुम सबके 30 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, अ लीफ वॉज प्लक्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे। ठीक है, सनी डे को हमने लीफ प्लक करी एंड अ कैप फॉर अ 2 मिनट्स इन अ बॉइलिंग वाटर, इट वॉज सब्सिक्वेंटली इमर्ज इन अ बॉइलिंग अल्कोहल एंड ट्रीटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द फाइनल कलर ऑफ द लीफ आफ्टर द टेस्ट। टेस्ट का जो कलर आएगा वो ब्लू कलर आएगा। ये एक तरह से प्रैक्टिकल होता है, जो कि 12th क्लास में आजकल बायो के स्टूडेंट्स को कराया जाता है, कि धूप में, क्योंकि धूप में लेने का मतलब क्या है, क्लोरोफिल होगा उसमें, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस होगी उसमें, और C6H12O6 होगा, तो वो प्रोसेस है, तो ब्लू हो जाता है। देखिए क्वेश्चन आया था हमारे में कि अगर रेड ब्लड सेल, शिफ्ट 1 में आया था ये, इफ रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डायल्यूटेड इन नॉर्मल सेल लाइन, व्हाट विल हैपन टू द सॉल्यूशन। ब्लड आइसोलेटेड आर डायल्यूटेड नॉर्मल सेल लाइन। अच्छा ये देखिए, एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला गया है। क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो कोई भी चेंज नहीं होगा RBC के अंदर, और फिर हाइपोटोनिक इन तरह का सॉल्यूशन होगा तो उसमें फिर डिफरेंस आ जाएगा, बोला जाएगा अगर हाइपोटोनिक तो सॉल्यूशन में चेंज आएगा, आइसोटोनिक में कोई सॉल्यूशन चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सीक्रेशन ऑफ लिवर इज नॉट करेक्ट। देखिए बाइल जो है वो क्या होता है, जो हमारे RBCs डेड हो जाते हैं, तो लिवर जो है उनसे उनको बाइल जूस बनाता है, जिसमें कि वो हमारे फैट्स को इमल्सिफाई करने का काम करते हैं, वो हमारे pH जो स्टमक का pH है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और हमारे pH ऑफ द फूड अल्कलाइन एंड फैसिलिट एक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ये वाला काम करते हैं। लेकिन वो बाइल्स कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ये गलत है, बाइल्स को एंजाइम कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन वो सारा काम जो pH का हमारे फैट को डाइजेस्ट करने का काम और बाकी सब काम करता है। तो ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 और 80 mm, दिस नंबर रिप्रेजेंट द ब्लड। देखिए जो ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बींग का, वो 120-80 कैसा है, जो है वो किस लिए है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा वेंट्रिकुलर जो हमारा ब्लड होता है, देखिए ब्लड बनाता हूँ, ब्लू कलर का ब्लड आपने पहली बार देखा होगा, इसमें क्या होता है ना, ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग ऑरिकल बोलते हैं, ये देखिए ऑरिकल, ऑरिकुलर, और नीचे वाला वेंट्रिकुलर होता है, ये बड़ा पार्ट होता है, ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट होते हैं, तो इन्हीं की वजह से जो प्रेशर में प्रेशर क्रिएट होता है वो इन्हीं वेंट्रिकुलर की वजह से होता है। ठीक है, तो जो 120 आता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और जो दूसरा आता है 80 वो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसको साफ कर लेते हैं इधर से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन बर्न्ड अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ क्लिफ, कोई एक वो है पहाड़ क्लिफ है, उसके सामने एक इंसान ने एक वो फायर क्रैकर जलाया, एंड ही हर्ड इट 5 सेकंड आफ्टर बर्स्ट, 5 सेकंड बाद उसकी इको सुनाई दी। तो देखो यहाँ से पहले साउंड गई होगी, इसे टकराई होगी, वापस आई होगी, तो एक्स डिस्टेंस मान लेते जाने में, एक्स डिस्टेंस लगा आने में, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो गई, साउंड की स्पीड से गया तो 340 स्पीड हो गई, टाइम कितना लगा 5। तो हमें पूछा गया एक्स की डिस्टेंस पूछी गई, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन से एक्स डिस्टेंस पूछा गया, तो बाई 2 हो गया, 2 × 2 = 14 × 0 = 35 × 3 = 5 × 5 = 850 ये आ गया 850। ठीक है, इसका आंसर डी। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑफ द मोबाइल फोन। देखिए ये पूछा गया था, माइक्रोफोन्स कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आ गया भाई इसमें माइक्रोफोन में, सीधा ऑप्शन गलत हो जाएगा, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि माइक्रोफोन का क्या काम है, तो ऑप्शन थे साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड टू मैकेनिकल, साउंड टू समथिंग, ऐसे 4 ऑप्शन थे।
और स्पीकर कन्वर्ट से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल तो आएगा ही नहीं इन सब में, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो फिजिकल वर्क वैसा होता है, स्पीकर कन्वर्ट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड, हाँ ये ठीक है, तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। 100 देखिए क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज टू 10 आवर अ डे, ठीक है। ये देखिए इसकी जो प्रीवियस जो टोटल 20-30 क्वेश्चन आए थे हमारे, उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं चैनल में जाके, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हाँ बोला गया था कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 3 डेज, 3 डेज में कितना होगा, देखो 100 बार इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर, 10 आवर के लिए हो रहा है, ठीक है, और 3 दिन के लिए हो रहा है, डिवाइड बाई 1000 किलोवाट आवर में निकालना है, तो 3 से 3 कट गया तो 3 किलोवाट आवर आ गया, ठीक है, यूनिट हमारी 3 किलोवाट आवर की होती है। एरिया अंडर द वेलोसिटी, जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके अंदर का एरिया क्या होगा, देखिए इसका स्लोप जो दिखाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्लोप जो दिखाएगा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन दिखाएगा, और जो एरिया दिखाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक, कंसेप्ट भी साथ में देखते हुए चलते हैं हम लोग। अरे 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 आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंथ ऑफ फोकल, फोकल लेंथ 10, देखिए फोकल लेंथ दे रखी है मेरे को 10 सेंटीमीटर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, जो कि मीटर में 1/f मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब, अरे पेन क्या कर रहा है, 10^-2, 100 पर चला गया तो चला गया 10, और जो इसका यूनिट आती है वो डैप्टर आती है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सी, 10 डैप्टर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होता है तो क्या होता है इसमें स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट क्या बोला, वाइट पावर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, मैग्नीशियम अगर रिबन जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बिल्कुल सही बात है, ये कंबशन रिएक्शन, अब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ पर हीट भी होगी लाइट, जब वो जलता है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और गर्म हो रहा है तभी तो हीट हो रही है, हीट और लाइट दोनों निकल रही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, देखिए सीओ किसको बोलते हैं, क्विक लैम को, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लैम, क्विक लैम और स्लैग लैम, तो क्विक लैम इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, बिल्कुल सही बात है, सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लैम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, नहीं स्लेग लैम नहीं, क्विक लैम का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो पहला दूसरे में से एक ऑप्शन होना तो पहला सही होगा, तो दूसरा कैंसिल होगा, दूसरा नहीं आएगा तो बचे 4 3 ऑप्शन 3 और 6 थर्ड और देख लेते हैं। सीओ जो है रिएक्ट करता है सीओ2 के साथ इन एयर टू फॉर्म अ क्लियर, हाँ सीओ प्लस CO2 मिलके बनाते हैं CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके काफ़ी सारे नाम हैं, जस्ट चौक क्या बोलते हैं, चौक है ये, 2-3 नाम है इसके, कार्बन हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड स्लैग लैम, जो मैंने बोला था अभी स्लैग लैम जिससे कार्बन हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, ठीक है, तो आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें जो है ऑक्सीजन रिलीज होगी पहला, इट एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, ये ब्रेक हो रहा है, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NO2 जिसमें NO2 गैस रिलीज होगी, दोनों ये 2 और 4 कैरेक्ट हो जाएंगे इसके, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन थोड़ा ना हो रहा है, इसमें तो सिर्फ एक ही कंपाउंड है और उसको हम लोग सीधे हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोज हो जा रहा है, और NO2 निकलेगी NO नहीं निकलेगी, इसमें तो कौन सा एग्जांपल नहीं है ऑक्सीडेशन का, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट हो रही है, ऑक्सीजन है तभी रस्ट हो रही है, क्योंकि अगर हम लोग ऑक्सीजन हटा देंगे किसी एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड में रख दें या किसी और एनवायरनमेंट में रख दें तो आयरन में रस्ट नहीं होगी, तभी बोला था कि ऑक्सीजन की वजह से और पानी की वजह से वो रस्टिंग हो जाती है, रेसिडिटी कंबशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन होगी तभी कंबशन हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन आप हटा दो वहाँ से कंबशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल जो है इसमें कौन सा भाई ऑक्सीडेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए तो ये हमारे यहाँ के क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये देखिए ये बाकी क्वेश्चंस, इसमें पॉलिटी हिस्ट्री अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, मतलब और आपको पता है कि जो पॉलिटी क्वेश्चंस आए थे वो प्रीवियस जो मैं 12 बता रहा हूँ उसमें पॉलिटी क्वेश्चंस भी थे, तो पॉलिटी भी आई थी हमारे पेपर में कुछ। इन प्लांट सेल RNA इज प्रेजेंट इन, देखिए हाँ ये करते हैं, बिकॉज फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायरॉयड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन, क्या एसेंशियल है थायरॉयड के लिए, सबको पता है कि आयोडीन जरूरी है, आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉयड की प्रॉब्लम हो जाएगी, गटर हो जाएगा। RNA किसमें प्रेजेंट होता है, देखो RNA जो है हमारा जो सेल है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो उसका फ्लूड होता है चारों तरफ, एक अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक चारों तरफ होता है साइटोप्लाज्म,
और न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सचर होता है। टोटल फ्लूड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेल विद इन द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेल विद इन द सेल इसको बोला जाता है। ये खुद का इसलिए प्रोकैरियोट सेल्स की तरह मतलब होते हैं, इसमें सारा डीएनए आरएनए खुद का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी इसका खुद का वो रहता है। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम यूजली लोकेटेड, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, इसमें सीडीएस में प्रीवियस पेपर में भी आए हैं। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये क्या होता है ना, जो लीव है वो लीव के बेस पे प्रेजेंट होता है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो बेस ऑफ द लीफ होगा, रूट ऑफ द टेप लेटरल स्टेम नहीं। यहाँ पर जो होता है वो एपिकल करके कुछ होता है, वो होता है एपिकल। यहाँ पर मैरिस्ट, ये इंटरकैलरी, ठीक है, इस तरह से होते हैं। जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम हमें पता है जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसफर करता है। और फाइलम क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है। और जाइलम में भी जो लिविंग सेल होती है, ये पैरेन्काइमा जो होती है वो लिविंग सेल होती है, और डेड सेल होती है वो जाइलम फाइबर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लिविंग सेल पूछा गया ना, तो इसमें पैरेन्काइमा हो जाएगा। तीन डिस्टेंस दिए गए हैं, पैरेलल में जोड़ा गया, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। तो इक्वल डिस्टेंस का पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। सीरीज में होगा तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल का है। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, r1 + r2 + r3। तो हमें यहाँ पर क्या पैरेलल बोला गया, तो पैरेलल बोला गया तो उस पैरेलल लगा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 1/11 + 1/22 + 1/33। 1/11 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 + 1/2 + 1/3। एलसीएम ले लिया 6 तो हो जाएगा 6 + 3 + 2, ये बन जाएगा तुम्हारा 11/6। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 = 1/6, तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा डी। टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे, आरएमएस पोटेंशियल पूछा गया है बिटवीन द टू रेड लाइव वायर। देखिए उस दिन क्वेश्चन पूछा गया था, फिर जब मैंने सीरीज का प्रोफेसर उसमें बताया, उसमें बोला गया था जो लाइव वायर होता है वो किस कलर का होता है, तो उसमें ऑप्शन था ग्रीन, तो ग्रीन नहीं था, वो रेड कलर का होता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और जो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 का होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब और यूरेनियम बॉम्ब जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए सन है ना उसमें भी हाइड्रोजन रिएक्शन टाइप की होती है, उसमें भी फ्यूजन होते हैं दो चीज़ों के, हीलियम प्लस हीलियम मिलके हाइड्रोजन बनते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम बनते हैं। हाँ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन। और यूरेनियम बॉम्ब्स होते हैं, यूरेनियम वाले बॉम्ब, यूरेनियम 238 यूरेनियम 235, इस तरह जो डिकम्पोज होते हैं, फिर बैरियम बनता है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो वो फ्यूजन रिएक्शन है। तो सन में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन में कौन सी रिएक्शन होती है, तो सन भी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउंड एंड लाइट वेव्स आर, साउंड क्या है, साउंड ऐसे चलती है ना, और लाइट कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई ना, ऐसे ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनल मतलब वेव हो गई, और ये ट्रांसवर्स वेव हो गई, तो बस हो गया ये ऑप्शन, सिंपल था ये। ये क्वेश्चन अभी बात सॉल्व करेंगे, मुड़ जाओ। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एक्सटिंग्विशर, सोडा में क्या होता है, जो हमारे आग बुझाने वाले एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या होता है, NaSCO3 होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है HSO4। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कर लेंगे। चलिए ये वाला करते हैं, अभी 48 करते हैं। वो लगे एक कार विद स्पीड ऑफ, एक कार है जो कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, इनिशियल स्पीड 12 मीटर है, एक ब्रेक लगाया एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस, टाइम दिया गया 2 सेकंड, स्टॉप लगते हैं, तो पूछो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे UT - ½ AT2। ठीक है, यू कितना देखा 12, टाइम 2, ए माइनस है तो हाफ 6, टी कितना 4, ठीक है, 2 × 4 ये हो जाएगा 24 - 12, कितना हो गया 12 मीटर, आगे आंसर ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल डायल्यूटिंग कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर हम डायल्यूट करते हैं नाइट्रिक एसिड को तो क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या कंसंट्रेशन HNO3 वॉल्यूम इंक्रीज नहीं, वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू कंसेंट नहीं, एसिड को हमें स्लोली वाटर में ऐड करना होगा, एसिड मस्ट बी स्लोली, अगर एसिड को हम लोग वाटर में स्लोली ऐड करेंगे नहीं तो क्या होगा, पानी है जैसे नहीं, तेल पानी भरा हुआ उसमें तुम तेल डाल दो क्या होगा, खतरनाक हो जाएगा भैया बवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pH, करेक्ट ऑर्डर ऑफ pH क्या है, देखो मैंने लिख दिया सारा यहाँ पर, लेमन जो है 2.3 pH होता है, कॉफ़ी का 5.5, ब्लड का 7.35। ये भी आप पूछा जाता है कि लेमन का pH कितना है,
कॉफी का पीएच कितना है, ब्लड का पीएच कितना है, मिल्क का पीएच कितना है, तो 7.35 ब्लड, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनर्जाइजिंग प्रोसेस, एनर्जाइजिंग प्रोसेस के लिए क्या नहीं सही है? देखिए एल्युमिनियम का जो एनर्जाइजिंग की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि एल्युमिनियम को कोरोजन ना हो, कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। मेटल लाइक एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, इनको कैन बी एनर्जाइज, हाँ बिल्कुल सही बात है। इट इज़ यूज इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको कोरोजन फ्री बनाने के लिए। ये ऑप्शन देखिए डाउट है, इसमें क्या है कि क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑल्ड कैथोड, नहीं ये गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नैप्थलीन बर्न्स विद येलो सूटी फ्लेम, अगर येलो सूटी फ्लेम से अगर नैप्थलीन जल रहा है तो क्यों जल रहा होगा? क्योंकि भैया इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होगी, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन होती तो क्या ब्लू कलर का होता, इनकम्प्लीट हो रहा तभी येलो हो रहा है, ठीक है समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्युमिनियम, Fe2O3 का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराएंगे तो क्या होगा? पहले तो ये क्या रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको थर्मेट रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये रेलवे में इसको यूज़ किया जाता है, हाँ ठीक है, रेलवे यूज़ होता है। हीट इन्वॉल्व यूज़ फॉर वेल्डिंग पर्पज, वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इसकी हीट इन्वॉल्व करते हैं, थर्मेट रिएक्शन होती है रेलवे की जॉइंट्स में जो होते हैं उनमें यूज़ की जाती है इसको जॉइंट करने के लिए। एल्युमिनियम मेटल एक्ट एज एनर्जी रिएक्शन, नहीं। मोल्टन Fe एल्युमिनियम फॉर्म एंड टू द रिएक्शन, नहीं। तो 1 और 2 आंसर इसका होगा, ठीक है ये ऑप्शन। चलिए मुझे लगता है कि बाकी इसकी PDF सारी जितने भी हैं मैंने सीरियस के पेपर्स की वो टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अच्छा ये हो गए हमारे सारे कंप्लीट, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका मैं लिंक अभी अपलोड कर डाल दूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है।